हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आपकी सरोज मैम आज आ गई हूँ आप लोग के साथ एक न्यू वीडियो के साथ, जो हमारे लाइफ प्रोसेस को कंटिन्यू करता है। लाइफ प्रोसेस के हम लोग दो पार्ट्स पढ़ चुके हैं। पार्ट वन में हम लोगों ने न्यूट्रिशन पढ़ा है और पार्ट टू में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, रिस्पायरेशन पढ़ा है। देन आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं प्रोसेस ट्रांसपोर्टेशन। ओके, ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट करने के पहले हम लोग ट्रांसपोर्टेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, जैसे न्यूट्रिशन और रिस्पायरेशन क्लियर है, वैसे ट्रांसपोर्टेशन की भी एक बार डेफिनेशन देखेंगे। ट्रांसपोर्टेशन इज ए लाइफ प्रोसेसेस। ट्रांसपोर्टेशन वैसी लाइफ प्रोसेसेस है विच अलाउज यूजफुल सब्सटेंसेस सच एज ऑक्सीजन, फूड, साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजिनस वेस्ट एंड अदर सब्सटेंसेस कहाँ, इन ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म टू मूव फ्रॉम वन पार्ट टू द बॉडी टू अनदर। ये ट्रांसपोर्टेशन कहाँ होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ही होता है, राइट। तो कह रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन वैसी लाइफ प्रोसेसेस है, जीवन की वैसी प्रक्रिया है जहाँ क्या होता है कि यूजफुल सब्सटेंसेस को जैसे ऑक्सीजन, फूड, सॉल्ट, ये सब जो हम लोग न्यूट्रिशन लिए, जो हम लोगों ने भोजन लिया, उससे जो भी हमें न्यूट्रिएंट्स मिले, जो भी हमारा न्यूट्रिशन मिला, देन उसको उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, हम लोग रिस्पायरेशन किया। ये सांस लेना जरूरी है। रिस्पायरेशन में हम लोगों ने देखा कि क्या क्या प्रोसेस हुई। देन अब ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग देख रहे हैं कि हमारे शरीर में मान लीजिए कि हमने भोजन लिया तो वो सेल में जाके क्या हुआ, उसको ब्रेक डाउन हुआ रिस्पायरेशन के थ्रू, देन वो बॉडी पार्ट्स में जाएगा। तो बॉडी पार्ट्स में जाएगा तो उन्हें कौन ले जाएगा, यही हम लोग ट्रांसपोर्टेशन में देखेंगे। तो वो यूजफुल सब्सटेंसेस अगर एक जगह कोई प्रोसेस हो रही है, जैसे कुछ फंक्शन लीवर में होते हैं, कुछ फंक्शन किडनी में होते हैं, कुछ फंक्शन देन हमारे हार्ट में होते हैं, कुछ हमारे सेल्स में होते हैं, कुछ हमारे स्टोमक में होते हैं, तो इन सारे प्रोसेसेस के थ्रू जो भी हमें एनर्जी गेन हुई, जो भी हमें एनर्जी मिला, वो कहाँ जाएगा, वो सब हमारे ब्लड में जाएगा, हमारे हर बॉडी पार्ट्स में जाएगा। ओके, देन उसमें क्या क्या रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा जो हम लोगों ने रिस्पायर किया, फूड रहेगा जो हम लोगों ने न्यूट्रिशन लिया, साल्ट्स, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजिनस वेस्ट एंड सम अदर यूजफुल सब्सटेंसेस दैट इज रिक्वायर्ड फॉर आवर हेल्दी बॉडी। कुछ ऐसे यूजफुल सब्सटेंसेस भी रहेंगे जो हमारे बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। और ये कहाँ जाएंगे, वन मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। जैसे फॉर एग्जाम्पल हार्ट ने हमारे क्या किया, ब्लड को प्यूरिफाई किया, पंप किया, देन क्या वो ब्लड हार्ट में ही रह जाएगा, हमारे बॉडी पार्ट्स के और ऑर्गन में भी तो पहुंचना चाहिए ना, तभी तो सर्कुलेशन होगा। तो इन सब्सटेंसेस का एक पार्ट से दूसरे पार्ट्स में जाना सर्कुलेशन कहलाता है। ओके, देन हाउ कैन बी ट्रांसपोर्टेशन डन, वी स्टडीड इन ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, राइट। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे कि ब्लड कैसे सर्कुलेट होता है, कैसे ब्लड के थ्रू, ब्लड वेसल्स के थ्रू, हार्ट के थ्रू सारी जो और ये यूजफुल सब्सटेंसेस हैं वो कैसे हमारे बॉडी में सर्कुलेट होते हैं। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहले हमारा आता है ओके, देन ब्लड वेसल्स, देन हार्ट। सबसे पहले ब्लड, देन ब्लड वेसल्स, देन हार्ट। तो जब चर्चा ब्लड की हो रही है, ये तीनों मिलके क्या करते हैं, हमारे फुल सर्कुलेटरी सिस्टम को कंप्लीट करते हैं। तो जब चर्चा ब्लड की हो रही है तो पहले ब्लड के बारे में हम लोग थोड़ा जानेंगे कि ब्लड क्या है। ब्लड इज द रेड कलर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ब्लड और ये क्या है, फ्लूइड है। तो ब्लड क्या है, ब्लड इज द रेड। ब्लड रेड क्यों है, क्योंकि ब्लड में आरबीसी है और आरबीसी में हीमोग्लोबिन है, राइट। देन हीमोग्लोबिन में आयरन कंटेंट होते हैं, राइट, जिसके कारण हमारे ब्लड का कलर कैसा होता है, रेड होता है। ओके, तो ब्लड इज द रेड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड एक लाल रंग का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है बट फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, राइट। और ब्लड रेड क्यों है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आरबीसी, और आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन में होते हैं आयरन, सो आवर ब्लड कलर इज रेड। देन आती है बात ब्लड के कंपोजिशन की, कंपोजिशन ऑफ ब्लड क्या है। तो मान लीजिए कि ये हमारे ब्लड वेसल्स हुई, राइट,
देन इसमें कंपोजिशन ऑफ ब्लड देते हैं, ये जो सबसे नीचे है इसको क्या है, क्वांटिटी कम है मतलब कम मात्रा में है, तो ये हो गया हमारा आरबीसी। आरबीसी हमारे ब्लड में कितना होता है 44%। देन हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स भी होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं, तो ये काफी कम है। देखिए मैंने इसे ग्रीन कलर से डिनोट किया है कि आप लोग को समझ में आए, ये कितने होते हैं हमारे बॉडी में 1%, 1% होते हैं बड़ी, लेकिन बड़ी काम की चीज होती है हमारे डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। देन हमारे ब्लड में आता है प्लाज्मा, प्लाज्मा हमारे ब्लड में 55% होता है, राइट। हमारा ब्लड इन तीन चीजों से मिलकर बना है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। और प्लाज्मा में क्या होता है, प्लाज्मा हमारे बॉडी में 55% है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स 1% है, देन आरबीसी 44% है। अब प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा में क्या होते हैं, देखिए प्लाज्मा में हमारा होता है, यहाँ पे लिखते हैं, प्लाज्मा हो गया ही हमारा, प्लाज्मा में होते हैं वाटर, राइट, आयंस, ओके। प्लाज्मा में और क्या होते हैं, प्रोटीन्स, ओके। देन हमारे प्लाज्मा में होता है न्यूट्रिएंट्स, देन वेस्ट, कुछ वेस्ट भी होते हैं, देन गैसेस भी होते हैं, ठीक है। ये इतनी चीजें हमारे प्लाज्मा में पाई जाती हैं, वाटर भी होते हैं, आयंस भी होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, राइट, कुछ वेस्ट सब्सटेंसेस भी होते हैं और गैसेस भी होती है। और इसको यहां लिख देती हूँ, आरबीसी के कारण, आरबीसी में हमारा होता है हीमोग्लोबिन, राइट, और हीमोग्लोबिन में होता है हमारा आयरन, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस और ब्लड कलर इज रेड। जब उन्होंने ब्लड देख लिया कि ब्लड क्या है और ब्लड के कंपोजिशन, देन आइए इसका फंक्शन देखते हैं, फंक्शन ऑफ ब्लड। फंक्शन ऑफ ब्लड में पहला हमारा क्या है, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या है, एक फ्लूइड मैट्रिक्स है। व्हाट इज प्लाज्मा, प्लाज्मा इज ए पेल येलोविश कलर फ्लूइड मैट्रिक्स। इसका कलर कैसा होता है, येलोविश होता है, येलोविश कलर, राइट, पेल येलोविश कलर प्लाज्मा का कलर होता है। और ये एक फ्लूइड मैट्रिक्स है, राइट। ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइजेस्टेड फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट एंड हार्मोन्स। और प्लाज्मा क्या करता है, डाइजेस्टेड फूड का, कार्बन डाइऑक्साइड का, वेस्ट का, जो हमारे शरीर में कुछ वेस्ट होते हैं उनका भी ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है, नहीं तो वो वेस्ट जहां रहेंगे वहीं पड़े हुए रह जाएंगे, जो कि हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो उसे भी एक्सक्रिएशन करने के लिए क्या होता है, कौन हेल्प करता है, हमारा प्लाज्मा ही हेल्प करता है, ओके, वेस्ट इन द सेंस दैट। और हार्मोन्स, तो हमारा प्लाज्मा जो है वो डाइजेस्टेड फूड का, कार्बन डाइऑक्साइड का, वेस्ट और हार्मोन का क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है। देन आते हैं हमारे आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। और रेड ब्लड सेल्स को क्या कहा जाता है बताइए, इरिथ्रोसाइट्स। रेड ब्लड सेल्स को इरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन इन आरबीसी हेल्प्स इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। हम लोग इसके अभी इसके जस्ट पहले इसके कंपोजिशन में क्या देखा कि आरबीसी में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और वही हीमोग्लोबिन क्या करता है कि पूरे बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, राइट। देन व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स, याद है आप लोग को, यह सब भूल गए, क्लास 9th में ही पढ़ाया था मैंने, ल्यूकोसाइट्स। व्हाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। ये क्या है, लार्ज न्यूक्लिएटेड और क्या है, कलरलेस है। डब्ल्यूबीसी क्या होता है, बड़ा होता है, न्यूक्लिएटेड होता है, इसमें न्यूक्लियस होते हैं और ये कलरलेस होता है। ये क्या करता है, प्रोड्यूस एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, किस लिए, टू किल पैथोजन, पैथोजन को किल करने के लिए। और वो एंटीबॉडी क्या है, एंटीबॉडी एक प्रकार का प्रोटीन है, राइट, एंटीबॉडी एक तरह का प्रोटीन है जो डब्ल्यूबीसी प्रोड्यूस करता है। और किस पैथोजन को, पैथोजन में क्या आ गया हमारे, जैसे
बैक्टीरिया, बैक्टीरिया वायरस, वैसे ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं जिनसे हमारे बॉडी को डिजीज कॉज होता है, उन्हें हम पैथोजन कहते हैं। बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, ओके, फंजाई हो गया, देन हमारा आता है प्लेटलेट्स, राइट। प्लेटलेट्स 1% होता है हमारे बॉडी में, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं हम लोग, बताइए। थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट्स के हो, प्लेटलेट्स का अदर नेम थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं, और ये क्या करता है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। जब हम लोग गिर जाते हैं या कहीं से हमें कट लग जाती है, तो उस टाइम हमारा ब्लड क्या होता है, कंटिन्यू फ्लो नहीं होता है, कंटिन्यू फ्लो नहीं होता है, वो रुकता है, ब्लड क्लॉटिंग होती है, ब्लड वहां पे क्लॉट हो जाता है, ठीक है। और वो किसके कारण होता है, प्लेटलेट्स की कमी के कारण। अगर हमारे बॉडी में प्लेटलेट्स नहीं हो तो थोड़ी सी भी कट होने पे, गिरने पे, चोट लगने पे क्या होगा, हमारा ब्लड कंटिन्यू फ्लो होने लगेगा और हमारे ब्लड में लॉस ऑफ, हमारे बॉडी में लॉस ऑफ ब्लड हो जाएगा। ये था हमारा ब्लड का फंक्शन, राइट। अब हम लोग आते हैं किस पे, अपने पार्ट टू पे, ब्लड, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में हमारे आते हैं, जैसे हमारे ब्लड में थे प्लाज्मा, प्लेटलेट्स एंड WBC एंड प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, WBC, RBC। तो ठीक उसी तरह हमारे ब्लड वेसल्स में भी आर्टरीज होती है, वेन्स होते हैं और कैपिलरीज होती है, राइट। तो ये आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज क्या होती है, इसे हम देखेंगे इस फिगर के थ्रू। इसके पहले हम लोग देखते हैं कि आर्टरीज क्या करती है। जैसे कि ये हो गया हमारा हार्ट, ओके, दो हार्ट होते हैं, राइट। अब ये आर्टरीज का क्या काम है, ए फॉर आर्टरीज एंड ए फॉर अवे। ये क्या करती है, ब्लड्स को हमारे हार्ट से बाहर ले जाती है, अवे फ्रॉम द हार्ट, कहां ले जाती है, आर्टरीज में ले जाती है, ठीक है। फिर ये आर्टरीज आगे जाके छोटे छोटे आर्टियोल्स में बटे होते हैं, फिर ये आर्टियोल्स उससे भी थिन एल्विओलर में बटे होते हैं, और फिर देन एल्विओली आती है, ये हम लोग आगे भी समझेंगे। और वेन्स का क्या काम है, टुवर्ड्स द हार्ट। ये क्या करती है कि हमारे बॉडी ऑर्गन से ब्लड को हमारे हार्ट में लाती है। एरो से आप लोग समझेंगे कहां क्या जा रहा है, ये होती है हमारी टुवर्ड्स द हार्ट। ए फॉर आर्टरीज, ए फॉर अवे, अवे फ्रॉम हार्ट जा रहा है तो वो काम कौन कर रहा है, आर्टरीज कर रही है, टुवर्ड्स द हार्ट जा रहा है तो वो काम हमारा वेन्स कर रहा है, राइट। आर्टरीज टुवर्ड्स, सॉरी, अवे फ्रॉम हार्ट, अवे फ्रॉम हार्ट, वेन्स टुवर्ड्स द हार्ट, टुवर्ड्स द हार्ट, ओके। अब इसमें हमारे आते हैं आर्टरीज और वेन। तो आर्टरीज क्या है, देखिए ये आर्टरी हो गई हमारी, समझेंगे इसे, ये हो गई हमारी आर्टरी, राइट, और ये हो गए हमारे वेन्स। अब ये क्या करते हैं कि ये आर्टरी जो है हमारी आती है और यहां से ब्रांच टूट जाती है, ठीक है। तो ये आर्टरीज के ब्रांचेस को क्या कहते हैं, आर्टियोल्स कहते हैं, ब्रांचेस ऑफ आर्टरी, राइट, ब्रांचेस ऑफ आर्टरी क्या हुआ, आर्टियोल्स। ठीक उसी तरह ब्रांचेस ऑफ वेन, वेन्यूल्स, ब्रांचेस ऑफ वेन, वेन के ब्रांच को वेन्यूल कहते हैं। तो हमारा ब्लड डायरेक्टली आर्टरी और वेन से ही ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, ना तो सिर्फ आर्टरी से जाता है और ना ही सिर्फ वेन से आता है, बल्कि बीच में एक इंटरमीडिएट का काम करती है हमारी कैपिलरीज, राइट। और ये कैपिलरीज क्या करती है कि इन्हीं के थ्रू हमारा ब्लड हमारे हार्ट में अवे और टुवर्ड्स आता जाता रहता है। यहाँ पे ये हो गए हमारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, राइट। तो इससे क्या हुआ कि ये हमारे आर्टरी में आए, राइट, ये हमारे आर्टरी में आए प्योर ब्लड, और आर्टरी ने क्या किया, इसको अवे फ्रॉम द हार्ट, आर्टरी अवे, अवे फ्रॉम द हार्ट, इसे हमारे बॉडी ऑर्गन्स में पहुंचा दिया, ठीक है, ये थिन कैपिलरीज के थ्रू। और फिर जब वेन में जो ब्लड आया वो क्या हुआ, वेन ने फिर इसे हार्ट में पहुंचा दिया इम्प्योर ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करने के लिए।
तो आर्टरी का क्या काम है कि इन कैपिलरीज के थ्रू सॉरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करती है आर्टरी हार्ट को उसे अवे ले जाती है. ऑक्सीजनेटेड हो गया है ब्लड तो अवे फ्रॉम द हार्ट ले जाएगी, दैट मीन्स अदर बॉडी ऑर्गन्स में ले जाएगी. लेकिन वेन्स क्या करेगी कि अदर बॉडी ऑर्गन से जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हुआ उसको हमारे हार्ट में ले आएगी. तो ये काम आप लोग देखेंगे कहीं भी डायरेक्ट आर्टरी और वेन नहीं कर रहे हैं, ये कर रहे हैं थ्रू द कैपिलरीज. कैपिलरी ये जो कैपिलरी है हमारे बीच में ये वेन्स ब्लू कलर से वेन्स की कैपिलरी है एंड देन रेड कलर से आर्टरीज की कैपिलरीज है. ये कैपिलरीज क्या करती है इन्हीं के थ्रू पहले ब्लड ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है. ओके डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस के थ्रू हम लोग को क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज आर्टरी वेन एंड कैपिलरी. सो कम टू द डिफरेंस. डिफरेंस में आर्टरीज वेन्स एंड कैपिलरीज तीनों के बीच में कंपैरिजन करेंगे. ओके डिफरेंस देखेंगे तीनों का. तो पहले देखते हैं कि डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो क्या है, आर्टरीज का क्या है, वेन्स का क्या है, देन कैपिलरीज का क्या है. तो डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो हमारी आर्टरीज का होता है ए फॉर आर्टरीज, पहले भी बताया मैंने लास्ट बोर्ड में, और ए फॉर अवे, अवे फ्रॉम द हार्ट. आर्टरीज तो क्या करती है हार्ट से ब्लड को दूर ले जाती है. वेन्स क्या करती है टूवर्ड्स द हार्ट. ये आर्टरीज है ये वेन्स है. आर्टरीज क्या की कि ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट लेके गई और वेन्स क्या की कि टूवर्ड्स द हार्ट. देखिए ये कहां जा रही है अवे दूर जा रही है और ये टूवर्ड्स. ओके दिस इज आर्टरीज दिस इज वेन एज्यूम. तो वेन्स क्या है टूवर्ड्स द हार्ट, हार्ट से दूर ले जाती है. कैपिलरीज क्या करती है कि लिंक आर्टरीज एंड वेन्स. ये हमारी आर्टरी हो गई ये वेन हो गए और ये इसके ये हमारे फिंगर्स जो है ये क्या है ये आर्टरियोल्स है ये वेन्यूल्स है और ये आर्टरियोल्स है राइट. अब इनको ये जोड़ दिया तो ये क्या कर रही है लिंक का काम कर रही है. हमारी कैपिलरीज जो है वो आर्टरीज और वेन आर्टरियोल्स और वेन्यूल्स को लिंक का काम कर रही है राइट. देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में कंपेरिजन करते हैं. आर्टरीज जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है. हमारे हार्ट में जो भी ब्लड ऑक्सीजनेटेड होते हैं उन्हें क्या करती है अवे फ्रॉम द हार्ट ले जाती है और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी ऑर्गन्स में पहुंचाती है. वेन्स क्या करती है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. वेन्स क्या करती है कि बॉडी ऑर्गन्स के पास जब आर्टरी जाती है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा जाती है तो वो क्या करती है वो वेन्स वहां से क्या करता है कि फिर वो बोलती है हमारी बॉडी ऑर्गन्स की हमारे कुछ कुछ वेस्ट पड़ा हुआ है कुछ CO2 पड़ा हुआ है जो कि डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं उसे तुम लेते जाओ. तो वहां से क्या करती है कि वेन्स अपना काम शुरू कर देती है और वेन्स क्या करती है कि वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके चलती है और लाके फिर हमारे ऑक्सीजन को दे देती है. ऑक्सीजन क्या करता है उसे पंप करता है और देन आउट ऑफ निकल जाता है ठीक है. तो आर्टरीज जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और कैपिलरीज जो है क्योंकि दीज आर द इंटरलिंक, दिस इज आर्टरियोल्स दिस इज वेन्यूल्स बोथ आर कनेक्टेड. तो ये क्या कर रही है कि दोनों तरह के ब्लड है ना इसमें क्योंकि दोनों को कनेक्ट कर रही है दोनों का कनेक्शन है. तो आर्टरीज में जो ऑक्सीजनेटेड है और वेन्स में जो डी ऑक्सीजनेटेड है ये क्या है दोनों ब्लड कैरी कर रही है. तो कैपिलरीज में होगा बोथ. देन प्रेशर, आर्टरीज का प्रेशर हमेशा हाई होता है. क्यों हाई होता है कि हमारे जो बॉडी और जो हार्ट है तो आर्टरीज क्या कर रही है कि ब्लड को बाहर ले रही है ठीक है, ब्लड को बाहर ले रही है. तो जब पंप करेगा ना हमारा ब्लड यूं पंप कर रहा है तो जैसे उसने पंप किया तो ब्लड बाहर निकल गया तो इसको प्रेशर हाई चाहिए क्योंकि इसको बाहर बॉडी ऑर्गन्स में जाना है. और वेन्स का प्रेशर लो रहता है क्यों क्योंकि ये ऐसे ब्लड को लेके आया और ऐसे आके आर्टरीज में सॉरी हार्ट में मिल गया. तो हमारे आर्टरीज का प्रेशर हाई होता है, हमारे वेन्स का प्रेशर लो होता है, और कैपिलरीज इंटरलिंकिंग कनेक्शन है बोथ का आर्टरियोल्स और वेन्यूल्स का तो इसका जो होता है प्रेशर मीडियम होता है राइट. कंपेरिजन बिटवीन वॉल्स थिक एंड इलास्टिक. आर्टरीज के जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं. ये हो गई हमारी आर्टरीज. राइट और वेन्स की दीवार जो होती है वो पतली होती है, ये बीच में कैपिलरी होती है.
तो आर्टिस्ट की दीवार मोटी क्यों होती है? क्योंकि इसको इस पे हाई प्रेशर लगता है, राइट? और जब भी हाई प्रेशर लगेगा तो वो आउटर लेयर जो है वो थिक होगा और इलास्टिक वो लचीला होगा, क्योंकि जब वो फेंकेगा ब्लड प्रेशर में वहां से बाहर निकालेगा तो हमारे आउटर वॉल्स पे जो प्रेशर लगेगा वो उसके कारण क्या हो, कोई लॉस नहीं हो, तो इसलिए हमारे आर्टरीज की जो वॉल होती है वो थिक होती है और इलास्टिक होती है। वेंस थिन होता है, वेंस की वॉल्स हमारी थिन होती है क्योंकि वो ब्लड को लेके आ रहा है। देन एक्सट्रीमली थिन और आर्टरीज और वेंस के कंपैरिजन में हमारा कैपिलरीज और भी पतला होता है। ये जो बीस की कैपिलरीज होती है ना, ये और पतली होती है, और पतली और पतली, ठीक है। देन कंपैरिजन बिटवीन वॉल्व्स, वॉल्व्स क्या है, व्हाट इज वॉल्व्स, वॉल्व्स प्रिवेंट बैक फ्लो, बैक फ्लो राइट ऑफ ब्लड। ये वॉल्व्स ऐसे होते हैं, राइट? ये क्या करते हैं, जब इधर से ब्लड आया, राइट, तो ये क्या करते हैं, वॉल्व खुलता है और जब ब्लड निकल जाता है तो ये ब्लड वॉल्व ऐसे क्लोज हो जाता है। तो वॉल्व क्या करता है कि प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। जब ब्लड हमारे हार्ट में, ये हमारा हार्ट हुआ, ब्लड हमारे हार्ट में आ गया तो इसका बैक फ्लो वापस न हो, राइट, इसके लिए क्या करते हैं, ये वॉल्व होता है, राइट। तो ये वॉल्व आर्टरीज में एब्सेंट होते हैं। क्यों एब्सेंट होते हैं, कि ब्लड बाहर ही तो जा रहा है, वो तो फिक्स्ड है ना कि ब्लड बाहर जाएगा, तो आर्टरीज में वॉल्व्स एब्सेंट होते हैं बट वेंस में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि इम्प्योर ब्लड जो आया है वो आके फिर रिटर्न ना हो जाए बॉडी में, तो उसके लिए जब इम्प्योर ब्लड ब्लड आ जाता है तो क्या होता है, मान लीजिए ये हमारे वॉल्व्स हैं, ये हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और आके इसमें जब 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 ये नीचे आया तो ये क्लोज हो गया वॉल्व्स, ठीक है, फिर ये ओपन होता है, फिर ये क्लोज होता है। तो वॉल्व्स एब्सेंट होते हैं आर्टरीज में, प्रेजेंट होते हैं वेंस में, और कैपिलरीज में भी एब्सेंट ही होते हैं। फंक्शन क्या है इनका, डिस्ट्रीब्यूट्स ब्लड पंप बाय हार्ट। आर्टरीज का करता है कि जो ब्लड हमारे हार्ट ने पंप किया है उसे ही डिस्ट्रीब्यूट करता है डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स को, एंड कैरीज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, और ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को कैरी करता है उस ब्लड के साथ। वेंस क्या करता है, रिटर्न ब्लड्स टू हार्ट, ये हमारे बॉडी ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है और हमारे हार्ट को रिटर्न कर देता है। उसमें क्या होता है, कैरी कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट, हमारे ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है और जो वेस्ट होता है उसे कैरी कौन करता है, वेंस करता है। देन कैपिलरीज एक्सचेंज O2 एंड न्यूट्रिएंट्स विद सेल्स। कैपिलरीज क्या करती है कि ऑक्सीजन को और न्यूट्रिएंट्स को क्या करती है, सेल्स से एक्सचेंज करती है, सेल्स में गई, राइट, हमारे कोशिका में गई, हमारे सेल्स में कौन गई, आर्टरीज गई हमारे सेल्स में, ठीक है, वहां पे इसने ऑक्सीजनेटेड ब्लड को दिया। फिर सेल्स क्या कहते हैं कि अरे मेरे पास कुछ वेस्ट पड़ा हुआ है, जैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो ये एक्सचेंज क्या कर रही है कि इसने O2 रख लिया सेल्स ने और CO2 दे दिया, ठीक है, और जो वेस्ट थे उसके साथ उसे दे दिया। और क्या करती है, पिकअप CO2 एंड वेस्ट फ्रॉम सेल्स, सेल से क्या करती है, कैपिलरीज CO2 और अदर वेस्ट को पिक कर लेती है और वेंस के थ्रू फिर हार्ट में पहुंचा देती है, राइट। इसमें एक आता है हमारा कि यहां देखिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड, आर्टरीज जो है हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही कैरी करती है, लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट मैं बता रही हूं आपको, पल्मोनरी पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती है, कैरी करती है। आर्टरी है, ध्यान देंगे, आर्टरी है, आर्टरी हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है, बट इन एक्सेप्शन पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। तो एग्जाम अगर क्वेश्चन आ सकता है बेटा कि विच आर्टरी इज कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, देन व्हाट इज योर आंसर, पल्मोनरी आर्टरी, ओके। फिर एक एक्सेप्शन आता है हमारे डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड का, ठीक है, पल्मोनरी वेन,
राइट। वेन क्या करती है कि वेन कैसा ब्लड कैरी करती है, डी ऑक्सीजनेटेड, राइट। लेकिन पल्मोनरी वेन एक ऐसा वेन है जो क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्पस कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है हमारी आर्टरी, बट विच आर्टरी इज कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मोनरी आर्टरी। फिर वेन्स में आते हैं कि वेन्स आर कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बट पल्मोनरी वेन इज कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट। और ये टेबल तो आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम एकदम लर्न करके जाएंगे एग्जाम में, क्योंकि ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप 1 से 2 नंबर गेन कर सकते हैं, या इसको अगर आपको याद कर लिए अच्छे से तो ऑब्जेक्टिव में भी या सब्जेक्टिव में भी आपको 1 से 2 नंबर आ सकते हैं। ओके, हार्ट डिस्कस करने से पहले हम लोग देखते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आर्टरीज वेन से रिलेटेड, राइट। क्या है कि लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है, कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में लार्जेस्ट आर्टरी, देन हम लोग क्या कहेंगे, एरोटा। एरोटा इज द लार्जेस्ट आर्टरी सॉर्ट ऑफ आर्टरीज, ठीक है। और देन ये क्या है, लार्जेस्ट वेन, ये हमारी वेना कैवा, वेना कैवा, राइट। लार्जेस्ट हमारे बॉडी की सबसे लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है, एरोटा, और सबसे लार्जेस्ट वेन वेना कैवा। एरोटा क्या करता है, ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट, और वेना कैवा टुवर्ड्स द हार्ट। ये था हमारा आर्टरीज का। देन कम टू द आवर टॉपिक हार्ट, ठीक है। हम लोगों ने ब्लड पढ़ लिया, ब्लड वेसल्स पढ़ लिया, अब हम लोग हार्ट देखेंगे कि हार्ट कैसे हमारा सर्कुलेशन करता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज हार्ट। हार्ट क्या है, मस्कुलर ऑर्गन है, राइट, ठीक है। हमारा हार्ट क्या है, मस्कुलर ऑर्गन है। मस्कुलर इन द सेंस कौन सा मसल्स, कार्डिक मसल्स, कार्डिक मसल्स। और कैसा है, इनवॉलेंट्री है, इनवॉलेंट्री मसल है। हम लोगों ने ये पढ़ा था अपने 9th क्लास में, या आप लोग भी पढ़ चुके हैं कि जहां हम लोग टिश्यूज पढ़ रहे थे वहां पे कार्डिक मसल्स और इनवॉलेंट्री मसल्स की बात हुई थी। तो इनवॉलेंट्री क्या होते हैं, अनैच्छिक मसल्स, ठीक है, जिन्हें हम अपनी इच्छा के थ्रू ऑन ऑफ मतलब रोकना और उनका मूवमेंट करना नहीं नियंत्रित कर सकते, उन्हें इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। और हमारा हार्ट जो है वो कार्डिक मसल, एग्जांपल्स ऑफ कार्डिक मसल जो कि इनवॉलेंट्री मसल्स है। हम लोग चाहें कि हम अपने ब्लड को हम अपने हार्ट को ब्लड की पंपिंग को रोक दें तो हम लोग नहीं रोक सकते हैं, इसलिए ये इनवॉलेंट्री मसल्स है, राइट। और लोकेटेड इन चेस्ट कैविटी, हमारी चेस्ट की जो कैविटी होती है ये उसके अंदर होता है, राइट। एज बिग एज फिस्ट, हमारी जो मुट्ठी होती है ये लगभग इसी के बराबर होता है। एफ एज पंपिंग ऑर्गन, पंपिंग ऑर्गन का काम करता है और किसे पंप करता है, ब्लड को, राइट। हमारा हार्ट जो है किसका काम करता है, पंपिंग ऑर्गन का काम करता है, ठीक है। और किसको पंपिंग करता है, ब्लड को। आइए हम अपने हार्ट के स्ट्रक्चर को समझते हैं। हमारा हार्ट क्या है, 4 चैम्बर्ड है। ह्यूमन बींग्स का हार्ट कैसा है, 2 चैम्बर्ड, 3 चैम्बर्ड, 4 चैम्बर्ड, 4 चैम्बर्ड, 2 चैम्बर्ड तो फिशेज के होते थे। देन हम अपने हार्ट के 4 चैम्बर को समझते हैं। जैसे ये हो गया हमारा हार्ट, एक कमरे के जैसा बना दिया हमने, ठीक है। इसके 4 चैम्बर्स हम लोगों ने कर दिए। ये जो है हमारा राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, राइट, ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये हार्ट हो गया। ये हमारा राइट वेंट्रिकल है, ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, राइट। देन ये आर्ट्रिया है, ठीक है, ये आर्ट्रिया का है पोर्शन और ये वेंट्रिकल्स का है। ये राइट पोर्शन है और ये लेफ्ट पोर्शन है। अब आप लोग बोलोगे कि मैम ये तो आप राइट को लेफ्ट बता रहे हो, लेफ्ट को राइट बता रहे हो। जी नहीं, ये बोर्ड पे लिखा हुआ है। अगर हम लोग ऐसे खड़े हो जाएं, अब देखिए ये हमारा राइट हुआ, राइट एट्रियम, ओके। देन ये हमारा लेफ्ट हुआ, लेफ्ट एट्रियम। तो हम लोग ऐसे नहीं देखेंगे, हम लोग ऐसे देखेंगे, क्यों, हमारा हार्ट तो यहां है ना, तो हम लोग इसको समझा रहे हैं। तो ये हमारा राइट एट्रियम और ये हमारा लेफ्ट एट्रियम, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट। अब क्या होता है,
कि इसके बीच एक दीवार होती है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड में नहीं मिले, या फिर लेफ्ट एट्रियम के राइट एट्रियम में ना आए, लेफ्ट वेंट्रिकल में मिक्स ना हो, तो इसके लिए इनके बीच की एक दीवार होती है जिसे हम लोग सेप्टम कहते हैं, राइट। अब ये क्या करता है, लेफ्ट एट्रियम ब्लड को रिसीव करता है, ओके। देन ये क्या करता है, यहाँ पे वॉल्व बताया मैंने, यहाँ वॉल्व होती है, ये क्या करता है, लेफ्ट एट्रियम उस ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल को दे देता है, ओके। लेफ्ट वेंट्रिकल से रिसीव कर लेती है और देन ये इसे पंप आउट कर देती है बॉडी ऑर्गन्स में, ओके। फिर ये हमारे ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये हमारे बॉडी ऑर्गन्स में आ जाते हैं, ठीक है, हमारे बॉडी ऑर्गन्स से रिसीव कर लेता है और हमारे बॉडी ऑर्गन्स के सेल जो कहते हैं कि कुछ वेस्ट पड़ा हुआ है, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड पड़ा है, इसे आप ले जाइए, तो यहां से ये क्या करते हैं, ये लाके लेफ्ट राइट वेंट्रिकल को दे देते हैं, ओके सॉरी, यहां से ये वेंस कैरी कर लेती है इस ब्लड को, किस ब्लड को, जो कि हमारे सेल्स हमारे बॉडी के अदर पार्ट्स और सेल्स के पास एज ए वेस्ट और CO2 पड़े हुए थे, तो इसे ये लेके आती है, राइट, और लेके आके किसे दे देती है, राइट एट्रियम को दे देती है, ठीक है। राइट एट्रियम क्या करता है, राइट एट्रियम का फिर वॉल्व खुलता है और ये ब्लड हमारे राइट वेंट्रिकल में आता है और देन राइट वेंट्रिकल इसे प्योर कर देती है और प्योर करके लंग्स के पास पहुंचा देती है, बाहर पहुंचा देती है, ओके। तो ये हमारा हम कैसे प्यूरिफिकेशन का काम होता है, सर्कुलेशन कैसे होता है, ये हम अभी आगे समझेंगे। ये मैंने बस आपको हार्ट का स्ट्रक्चर समझाया है, ठीक है, कि हमारे हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, ऊपर का चैम्बर लेफ्ट एट्रियम, नीचे का चैम्बर लेफ्ट वेंट्रिकल, ऊपर का चैम्बर राइट एट्रियम, नीचे का चैम्बर राइट वेंट्रिकल, ओके। अब यहां देखते हैं, एट्रियम कहिए या एट्रिया कहिए या ऑरिकल कहिए, ठीक है, एट्रिया क्यों कहते हैं, ये प्लुरल है एट्रियम का, प्लुरल है एट्रियम का, प्लुरल एट्रिया, ठीक है, एट्रियम एट्रिया ऑरिकल देन वेंट्रिकल। अब एट्रियम क्या है, अपर चैम्बर है, राइट, एनी डाउट, एट्रियम क्या है, अपर चैम्बर है, लेफ्ट एट्रियम राइट एट्रियम, थिन वॉल है, इसकी दीवारें जो है क्या है, पतली है, रिसीव्स ब्लड, ये क्या करता है, ब्लड को रिसीव करता है, ओके। एट्रियम बाहर से जो आए यहाँ पे, लेफ्ट एट्रियम क्या कर रहा है, यहाँ देखिए, यहाँ भी ब्लड को रिसीव कर रहा है और ये भी यहाँ क्या कर रहा है, ये भी ब्लड को रिसीव कर रहा है, ठीक है। आते हैं वेंट्रिकल्स में, लोअर चैम्बर, लोअर चैम्बर थिक वॉल, थिक वॉल क्योंकि इसको पंप करेगा ना, ये पंप करके बाहर भेजेगा, तो थिक वॉल पंपिंग ऑफ ब्लड, ये क्या करता है, रिसीव ब्लड, ये ब्लड रिसीव करता है, ये ऑक्सीजनेटेड, ये डीऑक्सीजनेटेड, और ये क्या करता है, पंपिंग कर रहा है, पंप करके भेज रहा है, तो इसकी वॉल थिक हो गई, ओके, पंपिंग ऑफ ब्लड। पंपिंग ऑफ हार्ट देखते हैं कि हमारा हार्ट जो है वो कैसे वर्क करता है। तो अभी हम लोगों ने हार्ट के 4 चैम्बर समझे, सबको समझ में आ गया, ठीक है, तो अब हम लोग उसी के हिसाब से ये वर्किंग समझ रहे हैं, इसलिए सो डोंट बी कंफ्यूज कि ऐसे नहीं, हम लोग ऐसे समझ रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, ओके। अब हम लोग देखते हैं, देखिए ये है हमारा लंग्स, ओके, ये हमारे हार्ट के चैम्बर हो गए, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, अपर पार्ट ऑरिकल, लोअर पार्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, लोअर वेंट्रिकल, ये फंक्शन समझाने के लिए, हार्ट के वर्किंग को समझाने के लिए ही पहले मैंने आपको हार्ट के 4 चैम्बर समझाए हैं, ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं हो। अब देखिए होता क्या है कि ऑक्सीजन आता है, कहाँ आता है, हमारे लंग्स में, राइट। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हमारे लंग्स में आया, ब्लड पहले कहाँ है, हमारे लंग्स में आया, लंग्स ने क्या किया, उसको पल्मोनरी वेन के थ्रू उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट ऑरिकल तक पहुंचा दिया, ओके। क्या हुआ, O2 आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लंग्स ने उसे कहा कि मेरे पास इतनी जगह नहीं है कि मैं इतने सारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को स्टोर करूं, इसको ले जाओ भाई, वेन इसको ले जाओ, पल्मोनरी वेन तुम आओ और इसको ले जाओ। तो इसने क्या किया कि पल्मोनरी वेन को उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां पहुंचा दिया, लेफ्ट ऑरिकल में। ये हुआ हमारा फर्स्ट प्रोसेस, ये हुआ हमारा फर्स्ट प्रोसेस। देन वाल्व खुला,
वॉल्व भी आप लोग पढ़ चुके हैं, ओके। वॉल्व खुला किसका, लेफ्ट ऑर्किल और लेफ्ट बैटरी के बीच में वॉल्व है, वॉल्व नोट वॉल, वॉल नहीं है, वॉल तो ये है इन दोनों के बीच में वॉल्व है, ओके। ये वॉल्व खुला और ब्लड कहाँ आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि अभी तो डीऑक्सीजन की कहीं बात ही नहीं हुई है। तो ये ब्लड जो हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया, फिर ये वॉल्व क्लोज हो गए, ओके बंद हो गए। अब देखिए इसके आगे ये हो गया है हमारा दूसरा प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस क्या, फर्स्ट प्रोसेस लंग्स से पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट ऑर्किल में पहुंच गया। दूसरा प्रोसेस हुआ कि लेफ्ट ऑर्किल ने क्या कहा कि मैं इतना सारा ब्लड कैरी नहीं कर सकता, जाओ आगे जाओ। इसने अपना वाल्व खोल दिया, ब्लड को आगे पुश कर दिया और वो ब्लड आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, ओके। देन लेफ्ट वेंट्रिकल ने क्या किया, यहीं पे होता है हमारा थर्ड प्रोसेस। लेफ्ट वेंट्रिकल ने क्या किया कि मेन आर्ट्री कौन सी, हमारी एरोटा। एरोटा इज द लार्जेस्ट आर्ट्री ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी की लार्जेस्ट आर्ट्री है। क्यों है, क्योंकि ये क्या काम करती है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को कैरी करके पूरे बॉडी में पहुंचाती है। यानी कि आर्टरी जो एरोटा जो है हमारे पूरे बॉडी ऑर्गन्स में फैली हुई है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी। अब थर्ड स्टेप क्या हुआ कि मेन आर्टरी हमारी एरोटा जो है इसने लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को कैरी किया, ओके, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और लाके हमारे बॉडी ऑर्गन्स में दे दिया। ले लो भाई सारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ले लो, सबको एनर्जी मिल जाए, ठीक है। इसने हमारे बॉडी ऑर्गन्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे दिया। अब जब ये आर्टरी यहां लेके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आई, हमारे बॉडी ने रिसीव्स कर लिया, तो फिर वह जाएगी। तो आर्टरी जब ये जा रही है तो हमारे बॉडी ऑर्गन्स के सेल्स कहते हैं कि हमारे पास कुछ वेस्ट प्रोडक्ट पड़े हुए हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक है, तो इन सबको भाई लेते जाओ। तो आर्टरी कहती है कि मैं लेके आई हूं, मैं ले जाने का काम नहीं करूंगी, ये मेरा काम नहीं है, तुम किसी और को ढूंढो। तो बॉडी ऑर्गन्स कहते हैं, वैन को बुलाते हैं, वैन आ जा, अब तेरी बारी है। फिर हमारा वैन आता है, ठीक है। ये अब जब हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया तो हमारा ब्लड कैसे हो गया, डीऑक्सीजनेटेड हो गया, राइट। फिर इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे बॉडी ऑर्गन्स किसको दे देते हैं, वेन्स को दे देते हैं, ठीक है। और फिर ये वेन्स क्या करता है कि इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाके राइट ऑर्किल को दे देता है। तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी वेन कौन सी है, वेना कैवा। इसलिए मैंने इसके पहले आपको बताया कि वेरी इंपॉर्टेंट वेना कैवा है। क्यों है, क्योंकि ये ऐसे वेन्स हैं जो हमारे बॉडी के पूरे ऑर्गन्स में फैले हुए हैं और लाके ब्लड किसे देते हैं, हमारे राइट ऑर्किल को देते हैं। तो वैसे आर्टरीज या वैसे वेन्स जो हमारे पूरे होल बॉडी में फैले हुए हैं, जो ज्यादा है, उन्हें हम लार्जेस्ट आर्टरी या लार्जेस्ट वेन कहते हैं। तो लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है, एरोटा, और लार्जेस्ट वेन वेना कैवा। देन यहां पे होता है हमारा फोर्थ स्टेप, और फोर्थ स्टेप में क्या होता है कि इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारा वेना कैवा लेके आता है और हमारे राइट ऑर्किल को दे देता है। भाई ले लो ये सारा जितना भी डीऑक्सीजनेट ब्लड है, ये तुम अपने अंदर रख लो। राइट ऑर्किल क्या बोलती है कि मैं इस ब्लड को अपने अंदर क्यों रखूं, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, मेरे पास इतना स्पेस नहीं है। तो ये क्या करती है कि धीरे से अपने वाल्व को खोलती है, कौन, राइट ऑर्किल, और जितने भी डीऑक्सीजनेटेड देन ये बॉडी ऑर्गन ये लेके कहां चला गया, हमारा वेना कैवा, राइट ऑर्किल को दिया, ओके। अब राइट ऑर्किल क्या करती है कि मैं ये ब्लड नहीं रोकूंगी, इसे वेंट्रिकल को देती है, और किस वेंट्रिकल को देती है, राइट वेंट्रिकल को देती है। तो ये राइट वेंट्रिकल को अपना वॉल्व खोलती है और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल तक पहुंचा देती है कि राइट वेंट्रिकल इसे तुम रखो। राइट वेंट्रिकल क्या करती है कि इस ब्लड को पहुंचा देती है कहां, लंग्स में, किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। तो पल्मोनरी आर्टरी या फिर वेना कैवा क्या करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, और पल्मोनरी वेन और एरोटा क्या करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। और ये राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड आया ये हमारे लंग्स में, और फिर क्या हुआ, लंग्स में थ्रू रिस्पिरेशन हुआ, CO2 बाहर निकल गया, ठीक है। ये था हमारा वर्किंग ऑफ हार्ट, कि हमारा हार्ट कैसे वर्क करता है। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट,
नो डाउट, बिकॉज इससे इजी वे में समझाया नहीं जा सकता है. आप लोग को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट. अगर आप लोग को याद नहीं आता है, ठीक है, कि कौन सा आर्टिकल क्या करती है, वेंट्रिकल क्या करती है, तो इसके लिए मैं आप लोगों को बताती हूं. आप लोग लॉर्ड को याद कीजिए. लॉर्ड मीन्स भगवान होते हैं ना, लॉर्ड. देन अब ये एलओ, एलओ क्या डिनोट करता है, ठीक है, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट डील्स विथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट. और ये क्या करता है, राइट साइड ऑफ हार्ट डील्स विथ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. सो नो एनी कंफ्यूजन कि किस साइड का हार्ट कौन सा ब्लड कैरी करेगा और किस साइड का हार्ट कौन सा ब्लड कैरी करेगा. तो आप लोग लॉर्ड याद रखेंगे, एलओ, एलओ फिर लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट साइड. हमारे हार्ट का जो लेफ्ट साइड होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, ठीक है. ये हमारा हार्ट का लेफ्ट साइड हुआ ना, लेफ्ट ऐसे. तो ये क्या कर रहा है, देखिए यहाँ भी ऑक्सीजनेटेड है, यहाँ भी ऑक्सीजनेटेड है, और राइट क्या कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड को कैरी कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड. तो लेफ्ट साइड जो हमेशा होगा एल एंड ऑक्सीजनेटेड, आर एंड डीऑक्सीजनेटेड. तो ये हम लोग नहीं भूलेंगे कि लेफ्ट साइड ऑफ आवर हार्ट कैरी विथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, लेफ्ट ऑक्सीजनेटेड, राइट डीऑक्सीजनेटेड. ओके, ऑलवेज रिमेंबर दिस फॉर्मूला और वर्किंग ऑफ हार्ट आप लोग समझ गए. एक हमारा टॉपिक आता है लिम्फ, ठीक है, व्हाट इज लिम्फ, या लिम्फ, इसमें लिम्फ वेसल्स होते हैं, लिम्फेटिक नोड्स होते हैं, ठीक है. तो एक लिम्फ देख लेते हैं, हमारा छोटा सा टॉपिक है. लिम्फ क्या है, फ्लूइड टिश्यू है. लिम्फ भी एक टिश्यू है बट फ्लूइड टिश्यू है. ओके, लिम्फ इज ए कलरलेस, ओके, लिम्फ इज ए कलरलेस फ्लूइड. ये एक कलरलेस फ्लूइड है फॉर्म्ड ड्यू टू लीकेज ऑफ प्लाज्मा फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज. ओके, जब ब्लड कैपिलरीज से प्लाज्मा का लीकेज होता है तो वहां पे क्या होता है, लिम्फ कलेक्ट हो जाता है. ओके, तो लिम्फ क्या है कि लिम्फ इज ए कलरलेस, कलरलेस है तो इसमें क्या नहीं होगा, आरबीसी होगा, आरबीसी एब्सेंट, क्योंकि ये कलरलेस है, दैट मीन्स आरबीसी नहीं है. डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट, ओके, देन प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है. तो आइए हम लोग देखते हैं, इसके फिगर के थ्रू समझते हैं. जैसे ये हो गया हमारा ब्लड वेसल्स, ठीक है, ये हो गई हमारी ब्लड कैपिलरीज, राइट. अब क्या होता है कि हमारी ब्लड कैपिलरीज क्या करती है कि हमारे ब्लड कैपिलरीज में ब्लड फ्लो हो रहा है, राइट, और फ्लो हो रहा है तो ब्लड कैपिलरीज के थ्रू ये जो सेल्स हैं इनसे क्या कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है. अब ये जो ब्लड कैपिलरीज है ये, ठीक है, इनकी दीवारों में लीकेज होता है, ठीक है, ये इनकी दीवारों में ये लीकेज होता है और इस लीकेज के कारण क्या, लीकेज ऑफ प्लाज्मा, जब ये लीकेज होता है तो यहाँ पे क्या होता है, प्लाज्मा कलेक्ट हो जाते हैं, कहाँ, सेल्स और कैपिलरीज के बीच में. ओके, ये प्लाज्मा कलेक्ट हो जाते हैं और इसी प्लाज्मा को हम लोग क्या कहते हैं, लिम्फ कहते हैं, राइट. देन क्या होता है कि ये लिम्फ जो होते हैं ये लिम्फ वेसल्स के थ्रू आगे जाते हैं, ओके, और देन यहाँ पे ये हमारा लिम्फ नोड होता है और देन ये लिम्फ वेसल्स से होते हुए जाके वेन में मिल जाते हैं. तो आखिर जब ये एक जगह कलेक्ट हो रहे हैं तो क्या ये वहीं पे कलेक्ट होते 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 एक लेयर बना लेते हैं, नहीं, इनका भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये भी आगे जाते हैं और किसके थ्रू जाते हैं, लिम्फ वेसल्स के थ्रू. ये जो यहाँ लिम्फ कलेक्ट हुई है ये लिम्फ वेसल्स के थ्रू आगे बढ़ती है और जाके आके हमारे वेन में मिल जाती है और फिर वेन उसको ले जाता है हार्ट के पास, फिर हार्ट उसे
प्यूरिफाई करता है और देन फिर उसे बाहर छोड़ देता है। ठीक है, अब लिम्फ का फंक्शन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, कुछ तो काम होगा इसका भी। लिम्फ फैसिलिटेट्स एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स एंड फैट सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स बैक टू द सर्कुलेटरी सिस्टम। जो भी फैट कलेक्ट होता है, ठीक है, जो भी फैट कलेक्ट होता है हमारे बॉडी में, लिम्फ उसे क्या करता है कि एब्जॉर्ब करता है और उस न्यूट्रिएंट्स को और ठीक बैक कहाँ करता है, फिर ले जाके बैक सर्कुलेटरी सिस्टम में छोड़ देता है। जैसे ही हमारे ब्लड वेसल्स के लीकेज से जो यहाँ प्लाज्मा कलेक्ट हुआ है, ये क्या हुआ, लिम्फ वेसल्स के थ्रू फिर ट्रांसपोर्ट होने लगा और फिर आके ये आगे आके वेंस में मिल गया और वेंस उसको ले जाके हार्ट में छोड़ देती है। ठीक है, तो यह भी हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में हेल्प करता है। इट रिमूव्स एक्सेस फ्लूइड्स फ्रॉम बॉडी टिश्यू एंड मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ फ्लूइड बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू। ये कह रहा है कि इट रिमूव्स एक्सेस फ्लूइड्स, जो भी एक्सेस फ्लूइड्स होते हैं, जैसे हमारे ये ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो हो रहा है तो जो इसमें एक्सेस फ्लूइड्स होते हैं वो क्या करता है कि इसको बॉडी टिश्यू को, ये हमारे बॉडी का टिश्यू है, ठीक है, इसे क्या करता है बॉडी टिश्यू एंड मेंटेन्स द बैलेंस, बॉडी टिश्यू को लीकेज के थ्रू छोड़ देता है, राइट, और देन क्या करता है कि ये हमारे बॉडी के मेंटेनेंस को बना के रखता है और इसके ब्लड और टिश्यू के बीच का। ठीक है, तो ये था हमारा लिम्फेटिक सिस्टम या लिम्फ। अब एक छोटा सा टॉपिक बचता है हमारा, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या है, ये हमारी हो गई ब्लड वेसल्स, राइट, और इस ब्लड वेसल्स में हमारा ब्लड ये फ्लो हो रहा है। तो जब ब्लड हमारा फ्लो होता है तो उसके आउटर वॉल पे क्या होता है, उसके इनसाइड कुछ प्रेशर लगते हैं, ठीक है, कुछ प्रेशर्स होते हैं जो उस पे वर्क करते हैं। तो हम लोग देखते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक सिस्टोलिक प्रेशर और एक डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर हो जाता है आपका कॉन्ट्रेक्शन, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है हमारा ब्लड, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, डायस्टोलिक छोड़ रहा है, सिस्टोलिक कंट्रोल कर रहा है, डायस्टोलिक छोड़ रहा है। तो द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी, ये जिस आर्टरी से होकर ब्लड फ्लो हो रहा है तो अगर अंदर से उसमें कुछ प्रेशर लग रहा है ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, सिस्टोल कॉन्ट्रेक्शन, और ये प्रेशर जो लगता है वो कैसा लगता है, 120 mmHg, ठीक है, 120 mmHg के पावर से ये प्रेशर लगता है, ठीक है, कहाँ, उसके इनसाइड वॉल पे। और डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, द प्रेशर ऑफ ब्लड इन आर्टरी ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ये कह रहा है कि ये प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड, ठीक है, प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जब उसके वेंट्रिकल सिस्टोल करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये प्रेशर लगता है, लगता है 120 mmHg से, ठीक है। ये कह रहा है कि द प्रेशर ऑफ ब्लड इन आर्टरी, ये कब लगता है, जब उसके वेंट्रिकल डायस्टोल करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट, सिस्टोल, डायस्टोल, सिस्टोल, डायस्टोल। तो सिस्टोलिक में 120 mmHg हो रहा है और डायस्टोल में 80 mmHg हो रहा है, 80 mmHg। तो एक नॉर्मल, एक हेल्दी वुमेन के क्या ब्लड प्रेशर रेट क्या होता है, 120/80, ये हमारा बीपी रेट हो जाता है, जिसे हम लोग ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। और ब्लड ब्लड प्रेशर को हम लोग कैसे नापते हैं, स्फिग्मोमोनोमीटर, जो कि एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है जिसके थ्रू हम लोग अपने बीपी को नापते हैं। ओके, अब इसी के साथ हमारा खत्म हुआ क्या, सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग। अब हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स देखते हैं, प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन होता है जाइलम और फ्लोएम के थ्रू होता है, ठीक है। प्लांट्स में दो तरह से होता है, दो पार्ट्स होता है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या है, वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है, जबकि फ्लोएम क्या करता है, फूड मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है। जाइलम हमारा वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन करता है और फ्लोएम हमारा फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। अब जाइलम क्या है, यूनिडायरेक्शनल है, यूनिडायरेक्शनल है जाइलम हमारा, यूनिडायरेक्शनल है। ये कहता है कि मैं एक ही दिशा में काम करूंगा, मैं दोनों दिशाओं में काम नहीं करूंगा, राइट। और हमारा फ्लोएम क्या है, बाई डायरेक्शनल है, बाई डायरेक्शनल है, ये ऊपर भी काम करता है और नीचे भी काम करता है, ठीक है। अब इस हम लोग फिगर से इसको समझते हैं कि कैसे ट्रांसपोर्टेशन की क्रिया होती है प्लांट्स में। ओके, ये हमारा ट्री हो गया, दैट मीन्स स्टेम, पेड़ का, ठीक है, स्टेम।
इसमें हमारे होते हैं जाइलम टिश्यू, ये जो है ये हमारा जाइलम टिश्यू है, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये नीचे हमारे रूट्स हो गए, ये रूट्स है और इसमें ये मिट्टी पड़ी हुई है, ठीक है। तो रूट्स और सॉयल से क्या करता है कि जाइलम टिश्यू जो होता है, जाइलम टिश्यू कैरी वाटर एंड डिजोल्व मिनरल्स अप फ्रॉम रूट्स, रूट से डिजोल्व वाटर और मिनरल्स को क्या कर रहा है, डिजोल्व मिनरल्स और वाटर को ये कैरी कर रहा है, अपवर्ड जा रहा है ऊपर, ठीक है। देन लीफ जो है बीच में उसे इंटरप्ट करता है, कहते हैं कि थोड़ी सी वाटर और मिनरल्स मुझे भी दे दो। तो ये जो वाटर और मिनरल्स जाइलम टिश्यू लेके जा रहा था, इसे इसने क्या किया, लीव्स को दे दिया, ठीक है। लीव्स ने वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल, जो सॉइल से वाटर एंड मिनरल जाइलम टिश्यू ले जा रहा था उसे लीफ ने भी थोड़ा सा अपने पास मांग लिया। अब क्या हुआ कि लीफ उसे लेके क्या की, फूड मेड बाय लीफ, अपना भोजन बना लिया। वाटर और मिनरल्स उसे कहां मिल गया, रूट से मिल गया, सन से उसे सनलाइट मिल गया, ओके। देन लीफ प्रिपेयर ऑन फूड और लीफ ने अपना भोजन बना लिया। अब जब भोजन बना लिया तो रूट्स क्या कहता है कि लीफ तुमने तो भोजन बना लिया, तुम्हारे पास तो सनलाइट था, मेरे पास तो सिर्फ वाटर और मिनरल है, तुम्हारे पास क्लोरोफिल था, मेरे पास तो क्लोरोफिल नहीं है, तो मैं भोजन कैसे बनाऊं, थोड़ा सा भोजन मुझे भी दे दो। तो लीफ क्या कहती है कि चलो जी तुमने मुझे वाटर और मिनरल्स दिए हैं तो मैं तुम्हें अपना फूड शेयर करती हूं। तो ये क्या करती है लीव, अपना भोजन, देखिए एरो से आप लोग एरो पे मार्क करेंगे कभी भी कि एरो किस डायरेक्शन में जा रहा है। लीफ ने क्या किया कि वो बने हुए भोजन को थोड़ा सा रूट्स और सॉइल को दे दिया। तो ऊपर के पार्ट्स कहते हैं कि अरे लीव थोड़ा सा भोजन हमें ऊपर भी पहुंचाओ, हमें भी भोजन की आवश्यकता है, हम भी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। तो फिर ये लीफ ने क्या किया कि फिर थोड़ा सा भोजन लाई और इनको प्लांट्स के अदर पार्ट्स में ऊपर भी भेज दिया, ठीक है। ये समझ में आया आप लोगों को, जाइलम टिश्यू क्या करते हैं, रूट से सॉयल और वाटर मिनरल्स कैरी करते हैं, ठीक है, और उसमें से थोड़ा सा लीफ ले लेती है और बाकी को ये वाटर मिनरल्स को वो क्या करता है, अदर पार्ट्स में भी पहुंचाते हैं। यानी कि हमारा जो जाइलम टिश्यू है वो यूनिडायरेक्शनल है, एक ही दिशा में काम कर रहा है। ये कह रहा है कि मैं भोजन पानी मिनरल्स जो भी चीजें हैं मैं सिर्फ ऊपर लेके आऊंगा, फिर रिटर्न नहीं आऊंगा वापस नीचे से, टाटा बाय बाय, ठीक है। तो ये यूनिडायरेक्शनल है, लेकिन हमारी फ्लोएम क्या है, बहुत ही सुशील है, वो क्या करती है, फ्लोएम टिश्यू कैरी फूड अप फ्रॉम लीफ, ये लीफ से फूड लेके अप पहुंचाती है, उसके ऊपर के पार्ट्स में पहुंचाती है, ठीक है। फ्लोएम टिश्यू कैरी फूड डाउन फ्रॉम लीफ, और फिर लीफ से ही भोजन लेके क्या करती है, उसे डाउन नीचे रूट्स में भी देती है, ठीक है। और देन क्या होता है, बाकी जो इसके सब्सटेंसेस होते हैं वो इवेपोरेट हो जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्या होता है, इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स, और पानी लीव्स से वाटर का इवेपोरेशन हो जाता है। तो जाइलम और फ्लोएम आप लोगों को समझ में आया कैसे काम करता है, जाइलम हमारा यूनिडायरेक्शनल है, वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ठीक है। ये देखिए वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट कर रहा है ना जाइलम, यूनिडायरेक्शनल है, लेकिन फ्लोएम क्या है, बाई डायरेक्शनल है। फ्लोएम जब अपना लीव जब भोजन को शेयर करती है तो फ्लोएम क्या करता है, आधे भोजन को ऊपर लेके चला जाता है, आधे भोजन को नीचे लेके चला जाता है। तो ये हमारा बाई डायरेक्शनल है, दोनों दिशाओं में काम कर रहा है। अब हम लोग इसको देखते हैं कि वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है जाइलम के थ्रू। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स वाय जाइलम, जाइलम के थ्रू वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। जाइलम इज मेड अप ऑफ फोर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, जाइलम जो होती है हमारी फोर टाइप ऑफ एलिमेंट्स से मिलकर बनी होती है, वेसल्स, ट्रैकेट्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा, जो कि हम लोग टिश्यू में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो वेसल्स और ट्रैकेट्स और जाइलम फाइबर्स, ये तीन जो होती है ये हमारी डेड सेल्स है। ट्रैकेट्स और जाइलम फाइबर जो हमारे डेड सेल्स हैं, और जाइलम पैरेन्काइमा जो है हमारा ये लिविंग सेल्स है, लिविंग सेल्स है, ठीक है। पैरेन्काइमा जहां भी आएगा वो क्या होगा, हमारा लिविंग होगा, क्योंकि पैरेन्काइमा हमारा लिविंग सेल्स है। तो जाइलम पैरेन्काइमा जो हमारा लिविंग सेल्स है, चूंकि हमारे जाइलम के चार में से तीन एलिमेंट्स डेड होते हैं, इसलिए जाइलम को हम लोग डेड टिश्यू भी कहते हैं, डेड टिश्यू, ठीक है। जाइलम को हम लोग डेड टिश्यू भी कहते हैं, क्यों कहते हैं, कि चार में से तीन एलिमेंट इसके डेड है और एक ही लिविंग होता है, राइट। तो अब ये जो वेसल्स और ट्रैकेट्स जो है ये क्या करते हैं, वाटर कंडक्टिंग चैनल है, वाटर कंडक्टिंग चैनल,
ठीक है। वाटर कंडक्टिंग चैनल्स हमारे कौन कौन से हैं? वेसल और ट्रेकिल्स। और जाइलम पैरेन्काइमा क्या करता है? पैरेन्काइमा स्टोरेज का काम करता है। अगर कहीं भी कोई कभी भी कहीं भी पूछ दे कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पैरेन्काइमा, तो हमारे मुंह से सिर्फ एक ही आंसर आना चाहिए, स्टोरेज। स्टोरेज इज द फंक्शन ऑफ पैरेन्काइमा, राइट। ये हमारे इन्हीं के थ्रू हमारा क्या होता है, जाइलम के थ्रू, और इन जाइलम के ये चार एलिमेंट्स के थ्रू हमारा ट्रांसपोर्टेशन होता है। और ट्रांसपायरेशन देख लेते हैं थोड़ा सा, ट्रांसपायरेशन का फंक्शन क्या होता है, क्योंकि ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्रांसपायरेशन, ठीक है। तो ट्रांसपायरेशन क्या करता है कि इट्स हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट। ट्रांसपायरेशन क्या करता है कि एब्जॉर्ब करता है एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, राइट, डिजॉल्व इन इट फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स। ये क्या करता है कि एब्जॉर्प्शन और अपवर्ड मूवमेंट करता है वाटर और मिनरल्स का, डिजॉल्व इन इट, जो इसमें डिजॉल्व होते हैं फ्रॉम रूट्स टू लीव्स, जो रूट्स से लीव्स तक आते हैं, जो मैंने इसके पिछले डायग्राम में आपको समझाया था। इट ऑल्सो हेल्प इन द टेम्परेचर रेगुलेशन। चूंकि पत्तियों से ट्रांसपायरेशन होता है, अभी मैंने आपको बताया था ना, ऐसे ये पत्तियां ऐसे ट्रांसपायरेशन की क्रिया कर रही थी, ठीक है। तो जब ट्रांसपायरेशन होता है तो उससे क्या करता है, इनका टेम्परेचर भी रेगुलेट होता है, और इसी के साथ खत्म होता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन, राइट। तो ट्रांसपोर्टेशन हम लोगों ने पढ़ लिया, अब हम लोग का लाइफ प्रोसेस के फोर पार्ट हम लोग को पढ़ने थे, न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रिएशन। तो हम लोगों ने तीन वीडियो में तीन पार्ट कवर कर लिए, न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, और आज हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन भी पढ़ लिया लाइफ प्रोसेसेस का। और कल हम लोग अपने मिलते हैं लास्ट वीडियो के साथ, जो कि इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा, पार्ट फोर, जिसमें हम लोग एक्सक्रिएशन पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, समझिए, और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर गुड फॉर यू एंड मी। ओके, थैंक यू।